नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिष नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर भी आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कहरवा ताल के अंदर अक्सर वेस्टर्न का हम काफ़ी यूज़ करते हैं, चाहे वो विलंबित कहरवा हो या फिर मीडियम स्पीड कहरवा। तो कई बार क्या होता है, आपने पुराने गाने सुने होंगे, थोड़ा बॉलीवुड सॉन्ग सुने होंगे या आप वेस्टर्न थोड़ा सा सॉन्ग सुनते होंगे, तो उनमें अक्सर पैड का या ड्रम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न बीट बजाई जाती है। तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत कॉपी हम तबले पर भी करते हैं, जो कई सारे गानों में बजा हुआ है। जैसे कि विलंबित में जब वेस्टर्न बजेगा तो एक गाना है दे दी तेरा देवर दीवाना, काफ़ी पुराना गाना है। तो अगर आप गाना सुनेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत ये जो ठेका है इसको इसकी थोड़ा सा मतलब लगभग मिलता जुलता पैटर्न आपको वहाँ मिलेगा लगभग, है ना। जैसे कि ये वाला है, इसी को थोड़ा बढ़ा के और भी बजाया जा सकता है। इसी से रिलेटेड फिर जैसे कहरवा हम बजाते हैं, इसका चलन अलग हो गया। ज़्यादा बेस ऐड करेंगे, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा ताले खाले का ध्यान नहीं रखा जाता है। कंटिन्यू चल रहा है तो ये वेस्टर्न का रूप ले लेता है थोड़ा सा। इसका अगर मीडियम स्पीड का हम ठेका अगर लेंगे कहरवा का, तो उसके बीच में मीडियम स्पीड में इसका मीडियम जो प्रकार है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि ये प्रकार है, तो जो मीडियम स्पीड में जो बज रहा है वेस्टर्न का प्रकार, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें पेज को, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है साइड में, आप देख रहे हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो ज़्यादा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि कॉल में बहुत कम रिसीव कर पाता हूँ। तो देखें किस तरीके से आपने बजाना है। इसके बोले धिता 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 धिता, ठीक है। स्लो में देखें, धी, इसको थोड़ा म्यूट करेंगे, धी तग धी तग धिता धी तग धिता धी तग धिता धी, ठीक है। धी तग धी धा धी तग धी धा धी तग धी धा धी। अच्छा, धी और धा लास्ट के बाद, धी को यहाँ पर हमने म्यूट किया साउंड, यहाँ से ती लिया, धी फिर त और ग फिर धी धा। सिंपल, थोड़ा धी को म्यूट करना है, बाकी नॉर्मल बजाना, ठीक है। धी तग धी धा धी तग, छोटे से बोले धी तग धी धा, चार मात्रा है, ठीक है। इसी को कंटिन्यू रिपीट किया जाता है। तो धी तग धी धा धी तग धी धा धी तग धी धा, कंटिन्यू धी तग धी धा धी तग धी धा धी तग धी धा धी धा धी तग धी धा धी तग धी धा ये प्रकार हो गया। इससे पहले आप एक छोटा सा उठान भी बना सकते हैं, जैसे कि धा 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 धा। इसकी बोले टी आप ऐसे ले सकते हैं या ऐसे दो उंगलियों से भी ले सकते हैं, एक उंगली से भी ले सकते हैं। टी धा 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 धा, सिंपल बोले टी धा 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 ती धा 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 धा। इसका चलन को समझे, ती धा 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 धे तक धे ता धे तक धे ता धे तक धे ता, ठीक है। दोबारा देखें एक बार उठान, ती धा 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 धा, ठीक है। अब मीडियम स्पीड में जब हम बजाते तो वहाँ पर थोड़ा सा चलन चेंज हो जाएगा। धिट ता ता धिट ता ता धिट ता ता धिट ता ता धिट धेट ताता धेट धाता, ये बोल रहे हैं, ठीक है। धेट ताता, ता के साथ पहले का लगेगा, धी ट ता धी ट धा ता, धेट ताता धेट धाता धेट ताता धेट धाता धेट, ठीक है। इन्हीं दो उंगलियों का यूज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धी ट ता ता धी ट धा ता, धी ट ता ता धी ट धा ता, धी ट ता ता धी ट धा ता, धिट ता ता धिट ता। लगा सकते हैं, एक बार लास्ट टाइम इसको फिर से देख लेंगे। धी ट ता धी ट धा ता, धिट ता ता धिट धा ता धिट ता धिट धा ता धिट। बेस का चलन देख लें, ठीक है। धी ट ता धी ट धा, लास्ट वाले धा को हल्का सा म्यूट करके बजाएंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा सुनने में, ठीक है। इस तरीके से आप ये पैटर्न बजा सकते हैं। वेस्टर्न का यूज़ ज़्यादातर, जैसे हम कोई भजन चल रहा है या गाना चल रहा है, आप वहाँ संगत कर रहे हैं, तो जब म्यूज़िक पार्ट आता है तो अक्सर म्यूज़िक पार्टों में ज़्यादातर किया जाता है। गाने में ठेके के तौर पर इसको बहुत कम बजाया जाता है, लेकिन जब आप कहीं पर संगत कर रहे हैं, हारमोनियम का पार्ट आया, वायलिन का आया, या फिर किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके साथ लीड में बज रहा है, उसके साथ जब भी आप संगत कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादातर कीबोर्ड में कुछ प्राइवेट पार्ट मारे जाते हैं, या कुछ बॉलीवुड पुराने सॉन्ग है उनका म्यूज़िक जब बजाया जाता है तो वेस्टर्न का म्यूज़िक पार्ट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आप इसको लाइव कार्यक्रम में, जैसे आप भजनों के बीच में या ऑर्केस्ट्रा, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन ठेकों को। तो इनका पहले अभ्यास करें, धीरे धीरे इनको गानों के साथ अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना और इसका चलन को समझना ही मेन है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। 4-4 मात्राओं के बोल हैं। पहले स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे तो थोड़ा तेज़ लय में भी आप इसको आसानी से बजा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अगर पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें पेज को, साथ ही लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।